हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू मैथ्स. ओके, सो टेक आउट योर ट्यूलिप्स एंड ओपन पेज नंबर 122. ठीक है, चैप्टर 5 हम कंटिन्यू करेंगे, विच इज शेप्स एंड पैटर्न्स. उसमें हमने प्लेन शेप्स तक किया था. स्टूडेंट्स, प्लेन शेप मीन्स जो कौन कौन सी की थी हमने, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल, दीज आर प्लेन शेप्स. आज हम करेंगे सॉलिड शेप्स, पेज नंबर 122. आज मैं आपको कुछ सॉलिड शेप्स के बारे में बताऊंगी. सो फर्स्ट सॉलिड शेप आपकी बुक में दी है क्यूब. सी, ये क्यूब है जो कि स्क्वायर से ऐसा दिखता है. दिस इज ए क्यूब. ओके, और क्यूब जो है वो क्या, कौन सी शेप है? सॉलिड शेप है, राइट? सो सॉलिड शेप 3 डायमेंशनल होती है, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है. ओके, ये सॉलिड शेप है, क्यूब है. दिस इज ए क्यूब. सी, क्यूब हैज 6 फेसेस. क्यूब के 6 फेसेस होते हैं. देखो, 1, ये फेसेस होते हैं इसके, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ठीक है, 6 फेसेस होते हैं क्यूब के, और इसके जो फेसेस होते हैं वो स्क्वायर शेप के होते हैं. ठीक है, इट हैज 6 स्क्वायर फेसेस. जो फेस होता है इसका वो स्क्वायर जैसा दिखता है, स्क्वायर होता है, राइट? सो अभी क्यूब जो होता है स्टूडेंट्स, उसके जो कॉर्नर्स आपको दिख रहे होंगे, दीज आर द कॉर्नर्स. और कॉर्नर्स को हम क्या बोलते हैं, आपको पता है कॉर्नर को क्या बोलते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था. यस, कॉर्नर को बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स. ठीक है, तो अगर बहुत सारे कॉर्नर्स होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वर्टिसेस. वन कॉर्नर को वर्टेक्स, और बहुत सारे होंगे तो वर्टिसेस. और क्यूब के वर्टिसेस कितने होते हैं, मींस कॉर्नर कितने होते हैं, आप काउंट भी कर सकते हैं ऐसे करके, राइट? तो क्यूब के 8 वर्टिसेस होते हैं, मींस 8 कॉर्नर्स होते हैं. ये कॉर्नर्स हैं जो ये है. ओके, एंड अभी ये जो लाइंस आपको दिख रही है, जो ज्वाइन कर रही है एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर के साथ, सी यहाँ से ऐसे, ये होती है लाइन सेगमेंट. दीज आर लाइन सेगमेंट, इसको हम एज बोलते हैं. ठीक है, ये एज होती है स्टूडेंट्स, ये लाइंस जो आपको दिख रही है, टू साइड्स को, जो एज होती है बेटा वो टू साइड्स को ज्वाइन करती है. तो दीज आर द एजेस, ये एजेस हैं क्यूब की, और क्यूब की 1 to 12 edges होती हैं. तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी बोर्ड पे. अभी आप देखो स्टूडेंट्स, सी दिस इज ए क्यूब, ये क्यूब है एंड क्यूब इज ए सॉलिड शेप, राइट? अभी ये जो ये पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, मैंने पॉइंट किए हैं ग्रीन चौक से, ये जो हैं क्यूब के कॉर्नर्स हैं. तो कॉर्नर्स को, कॉर्नर को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं. कॉर्नर को वर्टेक्स बोलते हैं. सो ये क्यूब के वर्टिसेस हुए. ओके, फिर ये फेस है क्यूब का, मैंने अभी आपको बताया था, दीज आर द फेसेस, और क्यूब के 6 फेसेस होते हैं. ओके, एंड एजेस, ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, जो 2 साइड्स को ज्वाइन करती हैं, दीज, ये लाइंस, ये क्या हैं? यस, इनको हम एजेस बोलते हैं, लाइन सेगमेंट भी बोलते हैं, ये एजेस होती हैं, ये लाइंस जो 2 साइड्स को ज्वाइन कर रही है, राइट? ये दीज आर द एजेस. ओके, अभी सी, इट हैज 6 फेसेस. एक क्यूब के कितने फेसेस होते हैं स्टूडेंट्स? 6 फेसेस. इट हैज 8 वर्टिसेस, मैंने अभी आपको बताया कॉर्नर. तो क्यूब के कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 होते हैं, आप काउंट भी कर सकते हो. सी, चलो हम काउंट करते हैं कॉर्नर्स. स्टूडेंट्स देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. तो 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूब के, 12 edges होती हैं. ये जो है, ये edges हैं जो लाइंस ज्वाइन कर रही है, 2 ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर रही है, मिला रही है, राइट? वो ये लाइन सेगमेंट जो है, ये क्या है? edges, राइट? तो इट हैज 12 edges. तो क्यूब की कितनी edges होती हैं? 1 to 12. सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. ओके, तो क्यूब की 12 edges होती हैं, राइट? तो आपको ये याद रखना है कि क्यूब हैज 6 faces, 8 vertices and 12 edges. ओके, अब हम क्यूबॉइड करेंगे. नाउ नेक्स्ट शेप स्टूडेंट्स, नेक्स्ट शेप इज क्यूबॉइड. आप अपनी बुक में देख सकते हो, क्यूबॉइड है. अभी आप देखो कि मैंने क्यूबॉइड ड्रॉ किया है, बट ये क्यूब के जैसा ही दिख रहा है, बट दोनों के बीच में एक डिफरेंस है. सी, ये था क्यूब एंड ये है क्यूबॉइड. दोनों में डिफरेंस ये है कि क्यूब जो होता है उसका फेस
स्क्वायर होता है जिसकी फोर साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन जो क्यूबॉइड होता है स्टूडेंट्स वो ऐसा होता है जिसका फेस रेक्टेंगल होता है। देखो इसका फेस कैसा है, रेक्टेंगल है ना ये वाला, यस। तो ये क्यूबॉइड है, राइट। आपने देखा होगा ब्रिक जो होती है जिससे हाउस बनता है, जिसको आप हिंदी में ईंट बोलते हो, जो ब्रिक होती है वो भी यस क्यूबॉइड शेप होती है, राइट। तो ये देखो इसका फेस कैसा है, यहाँ से रेक्टेंगुलर है, दिस इज ए क्यूबॉइड। अभी क्यूबॉइड में भी वर्टेक्स यही होता है, ये तो वर्टेक्स ही रहता है, ठीक है, कॉर्नर्स इसके ये वर्टेक्स होता है, राइट। दीज आर द एजेस, ये लाइन सेगमेंट जो है ये क्या है, ये क्यूबॉइड की एजेस हैं, राइट स्टूडेंट्स, ओके। और इसके फेसेस भी सिक्स ही होते हैं, ओके स्टूडेंट्स, सी 1 2 3 4 5 6, ओके सी इट हैज सिक्स फेसेस। क्यूबॉइड के भी सिक्स फेसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस मींस उसके कॉर्नर्स वो भी 8 होते हैं, एंड 12 एजेस, और एजेस भी इसकी 12 होती है, यानी लाइन सेगमेंट दीज लाइंस, ओके ये भी 12 होती हैं। दोनों में बस डिफरेंस इतना था कि इसका जो फेसेस इसके होते हैं ये स्क्वायर में होते हैं और इसके रेक्टेंगुलर होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, हमारे ट्यूलिप्स का ही एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। सी ट्यूलिप जो है आप देख सकते हैं ये शेप भी कौन सी है, क्यूबॉइड है। हमारी जो ये ट्यूलिप्स की बुक है, कोई भी बुक हो वो भी क्यूबॉइड शेप होती है, राइट। तो इस बुक के जो ये देखो कॉर्नर्स है इसको आप क्या बोलते हो, वर्टिसेस, दीज आर द वर्टिसेस, 8 होते हैं, आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये जो लाइंस हैं ये क्या हैं, लाइन सेगमेंट्स, इसको हम एजेस बोलते हैं, ठीक है। और ये 1 to 12 होती हैं, एजेस कितनी होती हैं, 12 होती हैं, ओके स्टूडेंट्स। और फेसेस इसके 6 होते हैं, राइट, 1 फिर पीछे वाला 2 3 4 ऊपर 5 नीचे 6, तो 6 फेसेस होते हैं। तो बुक भी जो है आपकी क्यूबॉइड शेप की है, ओके। तो 2 शेप्स हम सॉलिड शेप्स हमने की, क्यूब एंड क्यूबॉइड, दोनों में 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होती हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं, राइट। बस डिफरेंस क्या है कि जो क्यूब होता है उसका फेस स्क्वायर एंड क्यूबॉइड का रेक्टेंगुलर फेस होता है, राइट। अभी आप बुक में देखेंगे नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है सॉलिड शेप, यस कोन, नेक्स्ट इज कोन। सी मेरे हाथ में कोन है, आपने आइसक्रीम कोन भी देखा होगा, राइट, आइसक्रीम कोन होता है। फिर जो बर्थडे की हैट होती है वो भी कोन शेप की होती है, और मेरे पास ये कोन है, आप कोन देख रहे हैं मेरे हैंड में, ओके। सी कोन के जो नीचे ये साइड है देखो ये बिल्कुल फ्लैट है, राइट, कैसे फ्लैट है बिल्कुल, राइट, प्लेन है, फ्लैट है। लेकिन जो इसके साइड में यहाँ पर देखिए, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ना स्टूडेंट्स, यहाँ से ये कर्व्ड सरफेस है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट अ कोन हैज वन फ्लैट सरफेस एंड वन कर्व्ड सरफेस, ओके स्टूडेंट्स, वन फ्लैट सरफेस एंड वन दिस इज कर्व्ड सरफेस, ओके, वन कर्व्ड सरफेस। सो आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं ये कोन मैंने ड्रॉ किया है, ये कर्व्ड सरफेस है, ये कोन की कर्व्ड सरफेस है, एंड जो नीचे होता है वो फ्लैट सरफेस, राइट। सी इट हैज वन फ्लैट सरफेस, जो मैंने अभी बताया, इट हैज वन फ्लैट सरफेस, इट हैज वन कर्व्ड सरफेस एंड वन कर्व्ड सरफेस, ये यहाँ से कर्व है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये अभी हमने 3 शेप्स की हैं, कौन कौन सी सॉलिड शेप्स, क्यूब, क्यूबॉइड एंड कोन। अभी हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट सॉलिड शेप इज स्टूडेंट स्पीयर। अभी स्पीयर देखो, स्पीयर भी सॉलिड शेप है, 3 डायमेंशनल है। सी ये मेरे पास बॉल है, और जो बॉल का जो होता है शेप वो कैसा होता है, सॉलिड शेप है, और ये स्पीयर शेप है, ठीक है, ये स्पीयर है, इसको स्पीयर बोलते हैं, बॉल स्पीयर है। फिर हमारा जो ग्लोब होता है, आपकी बुक में दिया है पिक्चर, वो भी स्पीयर शेप होता है, राइट। तो ये स्पीयर है, और स्पीयर की वन कर्व्ड सरफेस होती है, देखो ये कर्व शेप में है, राइट, तो स्पीयर की वन कर्व्ड सरफेस होती है, राइट स्टूडेंट्स। यहाँ पर रीड करो, इट हैज़ वन कर्व्ड सरफेस एंड दिस इज स्पीयर, दिस इज अ पिक्चर ऑफ बॉल एंड दिस इज स्पीयर, ओके। नाउ नेक्स्ट शेप स्टूडेंट्स, दिस इज सिलेंडर, ओके, सिलेंडर शेप है। अभी देखो सिलेंडर शेप कैसी होती है, आपके घर पे भी सिलेंडर होगा, ठीक है, गैस सिलेंडर मैम, गैस सिलेंडर मम्मा यूज़ करते हैं ना किचन में,
राइट। तो आपको उसकी शेप देखनी है, वो भी सॉलिड शेप है, और मेरे पास भी है कि ये सिलेंडर शेप। सी, इसकी टू फ्लैट सरफेसेस होती हैं, देखो ऊपर से फ्लैट और नीचे से फ्लैट, राइट। एंड यहाँ से ये कैसा होता है, कर्व्ड। इसकी टू फ्लैट सरफेसेस होती हैं एंड वन कर्व्ड, राइट। आप घर पे भी देख सकते हैं। सी, सिलेंडर हैज टू फ्लैट सरफेसेस एंड वन कर्व्ड सरफेस। सी, ये जो है यहाँ से कर्व्ड होता है और ऊपर और नीचे से फ्लैट होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ऊपर से एंड नीचे से फ्लैट एंड साइड से कैसा है, कर्व्ड है। दिस इज सिलेंडर। ओके, तो आज हमने सॉलिड शेप्स में स्टूडेंट्स किया क्यूब। सी, क्यूब, देन क्यूबॉइड, कोन, स्फीयर एंड सिलेंडर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम ये येलो बॉक्स करेंगे। ओके, इसके नीचे ही दिया है पेज नंबर 123 में। आपको क्या करना है, टिक द सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स जो भी दी हैं, अभी हमने सॉलिड शेप्स की कौन कौन सी, कोन, क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर। ओके, ये सॉलिड शेप्स हैं, आपको सॉलिड शेप्स को टिक करना है। एंड प्लेन शेप्स, प्लेन शेप्स को आपको क्रॉस करना है। प्लेन शेप्स कौन सी थी, ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो अपनी बुक में फर्स्ट शेप देखो, दिस इज ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल प्लेन शेप है कि सॉलिड शेप, यस रेक्टेंगल प्लेन शेप है। ओके, टू डायमेंशनल, तो आप प्लेन शेप है तो इसको हम क्रॉस करेंगे। प्लेन शेप है ना स्टूडेंट्स, तो क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट देखो सिलेंडर, तो सिलेंडर क्या है, यस सिलेंडर हमारी सॉलिड शेप है। सिलेंडर के देखो, सिलेंडर में टू फ्लैट सरफेसेस और वन कर्व्ड सरफेस होती है, तो सिलेंडर सॉलिड शेप है, इसको आप टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो अपनी बुक में, ये ट्राइंगल नहीं है, ये कोन है, राइट। तो कोन मैंने क्या सिखाया था, कोन क्या है, सॉलिड शेप है कोन, तो आप कोन को टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो स्क्वायर, और स्क्वायर क्या है, प्लेन शेप, तो आप इसको क्रॉस करेंगे। उसके बाद स्पीयर दिया है आपकी बुक में, क्या दिया है, स्पीयर दिया है, तो स्पीयर जो है वो क्या है हमारी सॉलिड शेप, आप उसे टिक करेंगे, स्पीयर को टिक करेंगे। फिर नीचे देखो यहाँ पर क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या है, सॉलिड शेप, तो इसको भी आप टिक करेंगे क्यूबॉइड को। उसके बाद ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल तो हमारी प्लेन शेप है स्टूडेंट्स, तो ट्राइंगल को आप क्रॉस करेंगे। सर्कल भी प्लेन शेप है, तो सर्कल को भी क्रॉस। और उसके बाद ये है क्यूब, क्यूब क्या है, यस क्यूब सॉलिड शेप है, तो इसे आप टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 5.2। ओके स्टूडेंट्स, 5.2 करेंगे हम, अब ये ओपन करनी है आपको। स्टूडेंट्स नाउ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है शेप्स को और उसके शेप्स के नेम लिखने हैं, एंड देन आपको इन शेप्स को कलर करना है। तो हम आइडेंटिफाई करके पहले नेम्स लिखते हैं। सी, फर्स्ट वन बॉल का पिक्चर है ना, तो कौन सी शेप की है वो, स्पीयर। तो सब बच्चे स्पीयर का स्पेलिंग लिखेंगे, एस पी एच ई आर ई, स्पीयर। नेक्स्ट इज यस कोन, राइट डाउन सी ओ एन ई, कोन। नेक्स्ट कौन सी शेप है, सिलेंडर, तो सिलेंडर का स्पेलिंग लिखो, एस वाई सी वाई एल आई एन डी ई आर, सिलेंडर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सी शेप है हमारी, यस क्यूब है, तो आपको यहाँ क्यूब लिखना है, सी यू बी क्यूब। ओके, और नेक्स्ट लास्ट पिक्चर कौन सी शेप की है, क्यूबॉइड की, राइट, तो क्यूबॉइड लिखना है आपको, सी यू बी ओ आई डी, क्यूबॉइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.2 का। देखो आपकी बुक में दिया है वो ना, मैच द फॉलोइंग कॉलम है और कॉलमबिंग को आपको मैच करना है करेक्टली। ओके, तो पहले रीड करेंगे फिर मैच करेंगे। Has only one curved face. जिस इनमें से कौन सी शेप ऐसी है जिसके जिसका ओनली एक ही ओनली वन कर्व्ड फेस है। सी, किसका है, यस स्पीयर। सी, स्पीयर हैज ओनली वन कर्व्ड फेस, स्पीयर का एक ही कर्व्ड फेस होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट वन का आंसर क्या होगा, हैज ओनली वन कर्व्ड फेस, स्पीयर। ओके, तो आपको इसे मैच करना है। ओके, वन फ्लैट सरफेस, कौन सी शेप ऐसी है जिसके
वन फ्लैट सरफेस है, ओनली वन फ्लैट सरफेस। देखो नहीं, इसकी तो नहीं है, इसकी तो दो फ्लैट सरफेसेस है सिलेंडर की। यस, कोन, कोन जो होता है उसकी वन फ्लैट सरफेस होती है, राइट। सो इसका आंसर क्या होगा, हैज वन फ्लैट सरफेस। आंसर क्या है, कोन, कोन के पास जाएंगे, कोन की सिर्फ वन फ्लैट सरफेस होती है। देन नंबर थ्री, हैज सिक्स स्क्वायर फेसेस। अभी सिक्स स्क्वायर फेसेस किसके होते हैं, ये तो बहुत ईजी है, क्यूब, क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, सिक्स स्क्वायर फेसेस, तो आपको ऐसे ज्वाइन करना है, राइट। हैज टू फ्लैट सरफेसेस, अभी टू फ्लैट सरफेसेस सिलेंडर की होती है, देखो सिलेंडर, मैंने आपको बताया था सिलेंडर हैज टू फ्लैट सरफेसेस एंड वन कर्व, तो टू फ्लैट सरफेसेस किसकी है, सिलेंडर की, तो सिलेंडर के पास आप ऐसे मैच करेंगे। डन स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.2। ओके, अभी नेक्स्ट पेज पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको रिलेशन दिया है बिटवीन 2D एंड 3D शेप्स। 2D मीन्स टू डायमेंशनल एंड 3D मीन्स थ्री डायमेंशनल। 2D टू डायमेंशनल जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ ही होती है, एंड 3D क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट भी होती है, राइट। सो मैं आपको रिलेशन बता रही हूँ, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। फर्स्ट आपको क्यूब दिया है, तो जो क्यूब है आपको पता है ये किससे बना है, सिक्स स्क्वायर से। ये जो स्क्वायर शेप होता है ना, इसका स्क्वायर होता है इसका फेस, तो जो क्यूब है वो किससे बना, स्क्वायर से बना, राइट। तो दोनों के बीच में रिलेशन तो है, क्योंकि जो क्यूब है वो किससे बनता है, सिक्स स्क्वायर से। ओके, जो आपका क्यूबॉइड होता है वो किससे बनता है, सिक्स रेक्टेंगुलर फेसेस से। जो आपका क्यूबॉइड है वो रेक्टेंगल शेप से बना है, राइट। तो रेक्टेंगुलर, सिक्स रेक्टेंगुलर फेसेस से क्यूबॉइड बनता है, राइट। सो स्टूडेंट्स ये था रिलेशन। अभी एक्सरसाइज 5.3 है, उसमें आपको क्या करना है, मैच द 3D ऑब्जेक्ट्स टू देयर 2D। आपको 3D ऑब्जेक्ट्स को 2D ऑब्जेक्ट्स के साथ करना है जो सेम दिखती है, तो ये आप अपने आप कर सकते हैं। देखो फर्स्ट क्यूब है, तो क्यूब किसके जैसा दिखता है, स्क्वायर के जैसा, तो स्क्वायर के पास ज्वाइन कर देंगे। फिर क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड रेक्टेंगल के साथ, कोन ट्रायंगल के साथ, एंड स्पीयर सर्कल के साथ, ये आपको अपने आप करना है। सो एक्सरसाइज 5.3 तक आपको अपनी ट्यूलिप्स में कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।